है ऑफिस बॉय, बहुत सारे पूछ रहे थे भाई ऑफिस बॉय का वीजा बताओ वीजा बताओ, तो भाई ऑफिस बॉय का है वीजा, आप इसमें भी ट्राई कर सकते हैं। और जो लोग मेरे को इतना ज्यादा कमेंट मैसेज आए, हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, कैसे आप सभी, आई होप आप लोग अच्छे से होंगे, मजे से होंगे। आज मैं फिर हाजिर हूँ वीजा का वीडियो लेकर के दोस्तों आपके सामने। और दूसरी बात, बहुत सारे भाइयों का सवाल था, कमेंट था, बहुत ज्यादा दिन से आ रहा था, भाई आप हेल्पर का लेबर का जो है वीजा नहीं बताते हो, तो भाई आज इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, इसमें लेबर का भी वीजा है। क्योंकि देखिए, जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, या फिर जो है कि लेबर का काम करते हैं, कोई काम नहीं जानते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है वीजा मिलना। तो आज इस वीडियो को देखिएगा, इस वीडियो में लेबर का भी वीजा है और बहुत सारे वीजा है जो कि अच्छे अच्छे सैलरी के साथ अच्छे अच्छे कैटेगरी का है, लेबर से लगाए और हाई लेवल का है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आखिरी तक देखिएगा, मिस मत करिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको आगे भी वीजा से रिलेटेड, क्वेश से रिलेटेड, इमिग्रेशन, पासपोर्ट, हर चीज का जो है कि वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको हम बताते हैं, आपके स्क्रीन पे भी चलेगा, आपको बताते हैं कि किस किस चीज का वीजा है और क्या क्या सैलरी है, कहां से मिलेगा, कौन सा ऑफिस है। और सबसे बड़ी बात बता दें आपको, जो मुंबई का सबसे बड़ा फेमस ऑफिस है, बहुत पुराना है, जो मैंने इस पे वीडियो भी बनाया था, कई वीडियो बताया था, तो आगे अभी पता चल जाएगा कौन सा ऑफिस है और कौन सा जो है कि वीजा है क्या है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए आपको शुरू करते हैं, बताते हैं सैलरी के साथ क्या क्या ट्रेड है, किस किस काम का है। ओके, तो पहला, सबसे पहले तो मैं बता ही देता हूं, नीचे से शुरू करता हूं, ऊपर से नहीं। सबसे पहला है लेबर। जी भाई, अगर जो आप लेबर का काम करते हैं तो आप इस वीजे को पा सकते हैं, ले सकते हैं। और एक चीज और बता दूं, इस ऑफिस में पैसा बहुत ही कम लगता है, जेन्युइन लाइसेंसी ऑफिस है, ठीक है। लेबर का है सैलरी, देखिए सैलरी भी बता दूं आपको, 90 KD से स्टार्टिंग है, 90 KD आपको मिलेगा, प्लस रूम मिलेगा, आपको मिलेगा, ठीक है, कंपनी की तरफ से। उसके बाद है कप ज्वाइंटर, ठीक है दोस्तों, कप ज्वाइंटर का भी, इसका भी सैलरी, ये भी लेबर के तमाम होता है, मतलब 90 KD इसमें भी सैलरी है। उसके बाद है ऑफिस बॉय, बहुत सारे पूछ रहे थे भाई ऑफिस बॉय का वीजा बताओ, तो भाई ऑफिस बॉय का है वीजा, आप इसमें भी ट्राई कर सकते हैं। और जो लोग मेरे को इतना ज्यादा कमेंट मैसेज आए इंस्टाग्राम पे ऑफिस बॉय को लेकर के, दवनिया को लेकर के, तो दवनिया छोड़िए, ऑफिस बॉय का काम बहुत अच्छा होता है, ये कंपनी का है, तो इसमें आप टाइम टू टाइम ड्यूटी करना है। अगर जो आप फैमिली जॉब में आते हैं, ऑफिस बॉय का काम करते हैं, कुवैती के लोग के पास आते हैं, तो उसमें आपको टाइम का कोई वो नहीं होता, जैसे हम लोग 24 घंटा ड्यूटी होता है, काम है तो करो, नहीं तो रूम पे बैठे रहो, उसी तरह। उससे अच्छा इस कंपनी में है कि अगर इसमें आप जाते हैं तो इसमें टाइम फिक्स होता है, 8 घंटा चाहे 10 घंटा 9 घंटा, ठीक है, उसके बाद आप फ्री हैं, जो मर्जी वो कर सकते हैं। तो ऑफिस बॉय का है। उसके बाद है इसका भी सैलरी, देखिए फर्स्ट टाइम फ्रेशर में जो लो लेवल का वीजा होता है ना, इसमें आपको 90 KD ही मिलता है कंपनी में स्टार्टिंग में, तो आपको पैसा नहीं देखना है, 90 KD भी आप जोड़ेंगे तो अच्छा खासा बनता है। और आपको 2 साल एक्सपीरियंस लेना है, क्योंकि कभी भी आप बाहर के लिए जाइए तो पैसा मत दीजिए, पैसा आपका काम सही होना चाहिए, काम ड्यूटी अच्छा मिलना चाहिए, तो आपको स्टार्टिंग में कम सैलरी मिलेगा लेकिन काम अच्छा मिल जाएगा, तो 2 साल बाद आप इसी काम में आएंगे तो आपको 120-140 मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद है ऑफिस बॉय हो गया। उसके बाद है असिस्टेंस डेकोरेशन एल्युमिनियम, ठीक है, इसकी सैलरी भी 90 KD है, ठीक है। असिस्टेंट एक तरह से, जैसे अब एल्युमिनियम का जो फीटर होते हैं या फिर उसके जो है एल्युमिनियम फीटर वगैरह होते हैं, उनके साथ जो ये ला ये कार्ड दे वो रख दे वो, और इसमें आपको एक तरह से सीखते आपको एक्सपीरियंस भी मिलता है, इसका भी सैलरी 90 KD है। उसके बाद है पंप मैकेनिक असिस्टेंट, ये सब लो लेवल का काम है, एकदम मैकेनिक नहीं बोल रहा हूँ, पंप असिस्टेंट मैकेनिक का काम है, 90 KD सैलरी है, इसमें भी आप जा सकते हैं। उसके बाद है असिस्टेंट प्लम्बर, जो प्लम्बर होते हैं उनके असिस्टेंट चाहिए, और 90 KD। उसके बाद है इलेक्ट्रीशियन का भी असिस्टेंट चाहिए, इसमें भी जो है 90 KD है। उसके बाद AC टेक्नीशियन के असिस्टेंट चाहिए, इसमें भी आपको 90 KD है। पाइप स्टील फेब्रिकेटर वेल्डर चाहिए, ठीक है, अगर जो आप पाइप स्टील का वेल्डर हैं तो आपको मिलेगा 100 KD से लेकर के 110, ऐसा फ्रेशर के लिए है, ओके, फ्रेशर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है पंप मैकेनिक 110 से लेकर 120 KD। उसके बाद है प्लम्बर का है, प्लम्बर का काम करते हैं तो 110 से लेकर के 120 KD। उसके बाद स्टील वेल्डर का है 110 से 120 KD। फिर उसके बाद है फर्नीचर कारपेंटर, बहुत सारे भाई कम इसी में, तो सबका वीजा आ गया, फर्नीचर के लिए जो परेशान थे फर्नीचर कारपेंटर का, उनका भी वीजा है इसमें 110 से 120 KD। उसके बाद है पेंटर,
अब देखिए वीजा ऐसा है, अब पेंटर भी इसमें है तो पेंटर का 110 से 120 केडी है। उसके बाद मेसन जो टाइल्स का काम करते हैं, प्लास्टर का काम करते हैं, जो जुड़ैया करते हैं, प्लास्टर करते हैं, टाइल्स का काम करते हैं, फ्रेशर हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या एक फायदा है कि आप एक्सपीरियंस लेने के बाद में 1 साल 2 साल बाद आजाद वीजे पे आ सकते हैं, बहुत अच्छा पैसा कमाई होगा। ठीक है, और मतलब आजाद वीजा तो नहीं मिलता है लेकिन वही बाहर वाला वीजा चोरी से काम करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं, बहुत लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद है मेंटेनेंस प्रोग्राम ऑपरेटर, ठीक है, इसमें आपको 120 से 150 केडी है, सबसे हाईएस्ट इसी का है। और आपका जो मेसन टाइल्स उसके बाद प्लास्टर का जो है कि 110 से 120 केडी है। तो पूरा आपको मैंने लिस्ट गिनवा दिया, अब बताता हूं कि आपको कहां से मिलेगा। देखिए आप अगर जो गूगल पे सर्च करते हैं यफ घी वाला, देखिए मुंबई में सबसे अच्छा ऑफिस माना जाता है यफ घी वाला, जी घी वाला, ठीक है, यम घी वाला, ये तीन चार जितने घी वाला है सब अच्छे खासे ब्रांडेड, एक तरह से बोले जेन्युइन ऑफिस है, बहुत पुराने हैं सब। तो आपको जाकर के क्या करना है, इसमें स्क्रीन पे आ रहा क्या लिखा है, एकोमोडेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन विल बी प्रोवाइड बाय कंपनी, खाने पीने रहने का सब कंपनी देगी। और उसके बाद आप इसमें ईमेल आईडी दिया गया है, ईमेल आईडी पे आपको क्या करना है, hr5gheewala@gmail.com आप अपना सीवी भेजना है उसमें। उसके बाद आपको ईमेल आईडी हो गया, अभी नंबर, ये रहा नंबर आपके स्क्रीन पे चल रहा है, ये दो नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, कॉल करके आप डिटेल ले सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपको जो है कि शॉर्ट लिस्टिंग चालू है अभी, जो वीडियो जब भी देख रहे हैं तुरंत आप जो है अप्लाई करिए, फोन करिए, अपना सीवी भेजिए, और जब भी आपको जो है कि बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए जाना है, जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। जो सैलरी मैंने बताया ना ये स्टार्टिंग है, इसके ऊपर भी आपको मिल सकता है। तो आप फटाफट इस वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जो भाई जाना चाहते हैं, जो लोग भी परेशान है वीजा नहीं मिल रहा है, चाहे ऑफिस बॉय का, चाहे प्लम्बर का, चाहे वेल्डर का, चाहे इलेक्ट्रीशियन का, चाहे असिस्टेंट का, चाहे हेल्पर का, वो इस कंपनी को जो है कि जा सकते हैं। और ये ऑयल एंड प्रोजेक्ट में, ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट में आपको 2 साल का लॉन्ग वाला है, 2 साल का है और सब कुछ मिल रहा है। तो भाई अब पैसा भी बहुत कम लगेगा, ये ऑफिस इतना अच्छा है, कम पैसे में आपको भेज देता है एकदम जेन्युइन। तो फटाफट इस वीडियो को शेयर करिए, जो लोग जाना चाहते हैं उनको ये मैसेज वीडियो मिल जाए और वो अपना फायदा उठा सकते हैं। बाकी आप भी अगर जो आपको और कोई सवाल जवाब करना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, नीचे इंस्टाग्राम के लिंक पे आपको फॉलो कर सकते हैं, वहां पे मैं बहुत सारी स्टोरी वगैरह वीजा से रिलेटेड जो है जानकारी देता रहता हूं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज। आप इस वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर जरूर करिए क्योंकि बहुत सारे भाई परेशान हैं इंडिया में और उनको वीजा नहीं मिला, क्योंकि मेरा इंस्टाग्राम जो है फुल रहता है, हमेशा टाइम नहीं मिलता उनका मैं जवाब दे पाऊं, इतना ज्यादा वो परेशान लोग हैं कि भाई वीजा इस चीज का मिल जाएगा, इस चीज का मिल जाएगा। तो फाइनली आज जो है कि अभी मेरे को जो है मैसेज आया है, आप इस पे जो है फटाफट वीडियो बनाइए और लोगों को बताइए, तो मैं बना दिया आप लोगों के लिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।